नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज जो उत्तर प्रदेश सरकार ने दुधवा में जो चार बाघों की मौत हुई थी उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और उसमें कई ऑफिशियल्स जो हैं हटा दिए गए हैं और कई फॉरेस्टर्स को हटा दिया गया है। आप ये मान के चलिए कि डेढ़ महीने के भीतर भीतर चार शेरों की डेथ हो गई थी, जिसमें दो तो चलिए जो कहते हैं ना टेरिटोरियल फाइटिंग की वजह से मर गए आपस में, कहीं ना कहीं दो बाघ लड़े होंगे तो एक मर गया, फिर तो कहीं और दूसरी जगह दो बाघ लड़े होंगे तो एक मर गया, ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और दो जो मरे हैं वो इन्फेक्शन की वजह से, यानी इंटरनल इन्फेक्शन। एक को हुआ था सेप्टिक शॉक, यानी वो इंटरनल एक इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से वो मरा था, और दूसरे को हुआ था अक्यूट ब्रोंकाइटिस, अक्यूट ब्रोंकाइटिस की वजह से वो मरा था। फिर उसकी लाश भी तीन चार दिन के बाद बिल्कुल फूली हुई एक पॉन्ड के पास, मैंने पहले की वीडियो में ये डाला है। और इसी में कमेटी बनी थी जो यहाँ से, जिसमें जो आपके फॉरेस्ट के मिनिस्टर हैं और उसके साथ एक टीम गई थी दुधवा में, और उसकी इन्वेस्टिगेशन थॉरो हुई, और थॉरो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, वहीं से कई लोग हटाए गए। और देखिए एक बहुत बड़ा कारण बता रहा हूँ कि फॉरेस्ट के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जो छुपा के भी होती है, जिसमें फॉरेस्टर्स मिले भी रहते हैं। चलिए ये तो केस बिल्कुल अलग है और ये बात सही है क्योंकि अब मानसून आ गया है, जंगल सब बंद हो गए हैं, पोचिंग का भी काम इसी समय चालू है। पोचर्स जितना ज़्यादा आंधी तूफान बाढ़ होना उसका फ़ायदा उठाते हैं और जंगलों में घुसते हैं, दे आर यूज टू इट। ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें पोचिंग भी हो। चार बाघ हम खो लेना डेढ़ महीने के अंदर बहुत बड़ी मात्रा होती है। ऐसा हो सकता है कि और फॉरेस्ट में भी हो रहा हो, साउथ के जो फॉरेस्ट है उसमें, सेंट्रल इंडिया में, बट इधर जो दुधवा में हुआ इतना बड़ा नुकसान कहीं नहीं हुआ। उधर आप देख रहे हैं सुंदरखाल में जो टाइगर ने 8 गायों को मारा था उसका अभी तक कोई ट्रेस नहीं हुआ है। आज भी मेरी जो वहां से उनके जो प्रधान जी हैं सुंदरखाल, उनका फोन अभी थोड़ी देर पहले आया था, अभी तक वो आया नहीं। उसने हालांकि अगले दिन कुछ गांवों पे गायों के ऊपर अटैक किया है जो खुली हुई थी, बट वो गांव की तरफ नहीं आया, वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो इस तरफ नहीं आया। और जो रिपोर्ट दुधवा में उन्होंने जो कमेटी ने सबमिट की, उसने बोला कि जितना भी स्टाफ इस समय दुधवा में है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी है, यानी जो फॉरेस्ट में जो गार्ड होते हैं उनके अंदर कमियां हैं, उनके अपॉइंटमेंट बहुत होना बाकी है, फॉरेस्टर्स के अंदर अपॉइंटमेंट, और जब स्टाफ कम होगा तो जंगल की देखभाल कैसे होगी, ये भी एक बहुत ज़्यादा गहरी बात है समझने की कि आपके पास स्टाफ ही नहीं है। एक बड़े एरिया को आप कवर कर रहे हैं, उधर वो नेपाल का बॉर्डर टच करता है, इधर इधर बहुत बड़ा दुधवा कतनिया घाट और किशनपुर वाला जंगल पूरा दुधवा ही रेंज में आता है, जो कि बहुत बड़े एरिया में है। तो जो आप प्रोजेक्ट टाइगर बोलते हो, प्रोजेक्ट एलिफेंट है वहाँ पर है, तो ये जितनी परियोजनाएं हैं इसकी जो आर्थिक मदद सरकार को फॉरेस्ट में देनी चाहिए वो भी समय पे नहीं मिल रही है। इसका भी एक कारण है कि जो चीज़ वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जंगल पे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बट इन चारों मौतों का वास्ता इससे नहीं था। इसके पहले कतनिया घाट में एक लेपर्ड ने एक लेडी को मारा, ये आम है, मैंने आपको बोला ना जंगल में आम रहता है कि कभी टाइगर आया, टाइगर ने एक इंसान को मार दिया। ये ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत कॉमन हो गया है, बिकॉज दे नाउ दे हैव बिकम, जब से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉरेस्ट के अंदर जाने लगे हैं, टूरिज्म चालू हुआ है, तो ये टाइगर्स लेपर्ड्स दे हैव बिकम यूज टू ऑफ सीइंग ह्यूमन बींग, तो उनके अंदर का एक जो भय था ना आज से 30-40 साल पहले जो जंगल में होता था कि इंसान को देखा वो अपना रास्ता नाप लेते थे, अब नहीं होता है। तो ये बहुत ज्यादा अब डेयर डेविल टाइप के हो गए, नहीं हटेंगे, थोड़ा सा देखेंगे और भागेंगे। इसी तरह आपने देखा था कि अभी बीच में कॉर्बेट में भी अटैक हुआ था वो जीप के ऊपर, जब वो एकदम इरिटेट कर गया था, टाइगर्स थी या टाइगर था जो भी था। बट ये आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए कि इसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सीरियसली एक्शन लिया है, कई लोगों को सस्पेंड किया है क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया है कि ये कमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थी, जिसके वजह से
इवन इन फाइटिंग भी अगर होती है ना, अगर आपके पास पेट्रोलिंग अच्छी हो रही है तो इन फाइटिंग को भी आप अवॉइड करते हो। क्या आपको मालूम पड़ता है कि एक टाइगर की टेरिटरी ये है, इससे ये बाहर आएगा तो दूसरी टाइगर की टेरिटरी में चला जाएगा, तो मुठभेड़ हो सकती है। तो आप किस लिए हो, गार्ड हो, जितने भी वहां पर फॉरेस्ट में जो लोग तैनात होते हैं देखभाल के लिए, वो इसलिए होते हैं इन सब चीजों की खबर करें और उन सब चीजों से ये झगड़ा ना हो आपस में, टाइगर या लेपर्ड जो भी आपस में फाइट कर रहे हैं वो ना मरे। ये बहुत कीमती जानवर है हिंदुस्तान के लिए, तो हमारा काम है कि हम उनकी रक्षा करें। फॉरेस्ट वालों की तो बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि इनकी तरफ खाली अपनी जॉब को जॉब की तरह ना समझें, उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको फॉरेस्ट की देखभाल करना है, उनको एनिमल्स की देखभाल करना है ना। अगर एनिमल्स रहेंगे तो लोग आएंगे, उससे रेवेन्यू जनरेट होगी और फॉरेस्ट का काम चलेगा, उनकी तनख्वाहें निकलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो हो, मैं इसको डालूं, क्योंकि इसमें कमेटी की रिपोर्ट ने जो कही फील्ड स्टाफ की कमी और पेट्रोलिंग में खामियां देखी गई, ये स्टाफ में आया है पूरा पूरा रिपोर्ट जो स्टाफ ने दिया जो गया था वहां पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस तरह के केसेस और ना हो। अभी तो जंगल बंद है तो मामले दबे रहेंगे, फिर अक्टूबर के बाद जब जंगल खुलेगा तब हमें असली बात का ही रिपोर्ट मिलेगी कि जंगल के अंदर कितना बड़ा और नुकसान किया हुआ है। कि ये इंडिया का बहुत ही कीमती जानवर है जो पीछे आपको दिख रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए जब आपने इतने बड़े बड़े टाइगर रिजर्व खोले हैं, नेशनल पार्क्स खोले हैं, तो वहाँ की स्टाफ को बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। और जो भी उनका पैसा स्टेट से अलॉट होता है वो टाइमली मिलना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऑफिशियल्स कुछ करप्ट हैं जो उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी जो है गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। बस इसके साथ मैं यह वीडियो अभी यही एंड करता हूँ, फिर एक नए वीडियो के साथ आऊँगा जो मेरा होगा और या कैंपस का होगा, मैं डालूँगा बहुत जल्दी। थैंक यू।